पीथमपुर में 3 मई मंगलवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई। कार्यक्रम का आयोजन पीथमपुर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा छत्र छाया स्थित राम रामेश्वर मंदिर में भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव पूजन अर्चन कर महाआरती के साथ संपन्न हुआ। महाआरती में संत श्री सीताराम महाराज, विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कविता प्रदीप द्विवेदी, संध्या सूरज मल शर्मा, नीलम त्रिपाठी सहित समाजजनों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज के हित की बात की। भगवान परशुराम का मंदिर संजय जलाशय एवं वोकनेश्वर महादेव मंदिर पर बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में परशुराम भगवान की मूर्ति पर माला अर्पित करने जगदीश सेन, जीवन रघुवंशी, सुभाष जायसवाल कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जायसवाल ने 1,00,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की एवं जीवन रघुवंशी ने भी अपने परिवार की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। श्री वैष्णव ने हर संभव मदद एवं सहयोग करने का भरोसा दिलाया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। तो ये 2 साल के बाद जो हमारा ये मिलना हुआ है, वो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम परशुराम जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। मैं नगर पालिका पीथमपुर में एक जो ये सेंटर है पीथमपुर में एक संजय जलाशय पे बन रहा है, लेकिन वो हम महिलाओं के लिए बहुत दूर है। हम वहाँ दर्शन करने नहीं जा सकते। भगवान वो आपके भी हैं, भगवान वो हमारे भी हैं, लेकिन हम उस पूजा से वंचित हैं क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, फिर हम नहीं जा सकते। फिर पीथमपुर में अगर मंदिर बनता है परशुराम जी का, वो हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनके दर्शन कर पाएंगे, हम उनकी पूजा कर पाएंगे। तो ये हम अध्यक्ष महोदय से विनती करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पर कोई तथा देखें या सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। दोस्तों, ब्राह्मण समाज किसी के मुस्ताद नहीं है, न तो कोई ब्राह्मण किसी समाज या किसी धर्म में या किसी प्रकार से ब्राह्मण को देवतुल्य कहा गया है और देवता ही माना जाता है। जो आज के डेट में एक ब्राह्मण बालक पढ़े और वो पढ़ करके जो है आपकी छवि को कहीं जाकर खड़ा करके दिखा दे, क्या हम व्यवस्था दे रहे हैं, हमारे ब्राह्मण समाज की व्यवस्था दे रहा है, उस ब्राह्मण समाज के माध्यम से चलना है, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास साधारण से सबको पढ़ रहे हैं। गदा न करते हुए व्यवस्था लगता है, अटेंड हाउस का सब्जेक्ट लगता है, वो व्यवस्था हम कहीं पर भी ब्राह्मण समाज का काम करता है उसको हम दे करके आपके साथ उसका कोई शुल्क नहीं लेंगे। लेकिन ये शर्त होगी कि कार्यक्रम जरूर करें, कार्यक्रम ऐसा करें जिसके माध्यम से हम लोग आपस में मिल सकें, आपस में मिलें और मिल करके बैठ के अपनी बातों को प्रस्तुतिकरण करें और कुछ ऐसा तैयारी करें जिसके माध्यम से आने वाले हमारे पंडित काली माता के पुजारी हैं। जय परशुराम। आज हम यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, ऐसे कभी बोले उन्होंने भी कहा तो उनके मस्त में कि अगर अपने बालक को कोई पंडित सिखाना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ब्राह्मण में पूजा कर रहा है उसका भी परिवार, हम शादी में जाएंगे तो नोटों की गड्ढी उड़ा देंगे, लेकिन ब्राह्मण को देने के बारी आते तो उसको ही कहते हैं ये 500 ले ले या 1,000 ले ले और वापस बिल्कुल छोटा सा उसको लेने के लिए, उस ब्राह्मण को देने के लिए। तो मेरा आप सभी से एक आग्रह है, छोटा सा मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, ऐसा एक नियम हमारे समाज में लाए कि जो ब्राह्मण है उसकी आजीविका आगे बढ़ सके, चल सके। ब्राह्मण ब्राह्मण जो धर्मत्व खान पान आचार विचार से धर्मत्व ऊपर उठता है, इसलिए सभी ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है खान पान आचार विचार से शुद्ध रहें और अपने ब्राह्मणत्व को बनाए रखें।
कहूँगा कि इस पूरे तीर्थम को छः किलोमीटर तक परशुराम जी का मंदिर का निर्माण और मूर्ति भगवान है। मंदिर बंद जरूर रहा है, वहाँ बोलने तालाब के पास भी उसमें सभी ब्राह्मण लोगों का सहयोग भी है। बहुत दूर यहाँ से 5 किलोमीटर है, महिलाओं को हम सबको जाने के लिए और उसकी काम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।